ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से अजरा की फितरत जाग चुकी है और वो अपनी पहले वाली टोन में वापस आ चुकी है अजरा जब से घर वापस आई है तब से अजरा का फरहत के साथ रिश्ता कुछ बेहतर नहीं हो पाया जबकि फरहत ने अजरा के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश की उसके बावजूद इनके दरमियान में अख्तलाफा बढ़ते गए और अब तो इस कदर अख्तलाफात बढ़ गए कि अजरा का कहना ये है कि जब तक वो फरहत की पिटाई नहीं कर देगी वो सुकून का सांस नहीं लेगी वहीं पर दूसरी तरफ़ फरत जिसका कहना यह है कि अज़रा तो इंसानों के बीच में रहने के काबिल ही नहीं है होती है एनिवर्सरी अस्मा और नसीर की अस्मा और नसीर जिन्होंने अपने रिश्ते में बहुत सी दूरियां देखी बहुत से अख्तलाफात देखे बड़ी मुश्किल से जब उनके रिश्ते में सुधार आया तो तमाम तर घर वालों ने सोचा कि क्यों ना हम उन्हें सरप्राइज़ दें ताकि उन्हें भी अच्छा लगे आसमा जो कि नसीर को अपना शोहर मानती थी और उससे मोहब्बत करती थी लेकिन नसीर ने कभी भी अस्मा को वो मोहब्बत नहीं दी जो एक बीवी को देनी चाहिए थी लेकिन नसीर का कहना अब ये है कि वो अब अपनी बीवी अस्मा को वो इज्जत और मोहब्बत देगा जिस मुकाम की वो हकदार थी जब देते हैं तमाम घर वाले सरप्राइज़ असमा और नसीर को तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है पार्टी के बाद जमाल भी अज़रा के साथ बात करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही नामनासिब रवैया रखा है इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं आइंदा तुमसे अपना रवैया दुरुस्त रखूँ लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ अज़रा इतना टाइम तुमसे दूर रहने के बाद मुझे एक आदत सी पड़ गई थी इस वजह से मैं तुमसे ना तो अपनी कोई बात शेयर करता था और ना ही अपने किसी दूसरे मामला में तुम्हें दखल अंदाजी करने देता था इस बात पर अजरा जमाल से कहती है कि मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि आप बेफिक्र हो जाए इस घर की बड़ी बेबीबाजी के बाद मैं हूँ और मैं इस घर में तमाम तर लोगों को जोड़ कर रखूँगी लेकिन आप ही थे जिन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया वहीं पर दूसरी तरफ जमाल की भुप्पो अपनी बेटियों के साथ आ जाती है और जमाल इन लोगों को देखकर परेशानी के आलम में आ जाता है पूछता है है जमाल अपनी फुप्पो से कि आखिरकार आप लोगों के साथ ये सब कुछ कैसे हो गया जमाल की फुप्पो कहती है कि बस क्या करें मुसीबतों का पहाड़ हम लोगों पर टूट पड़ा वरना किसका दिल करता है अपना घोंसला छोड़ने पर जमाल अपनी भुपो से कहता है कि हमें तो लगा था कि मुसीबतों का पहाड़ सिर्फ हम पर ही टूटा है लेकिन मुसीबतों की आफत तो असल में आप लोगों पर आई थी मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था अगर होता तो शायद ऐसा आप लोगों के साथ कभी नहीं होता लेकिन अब आप लोगों के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा क्योंकि अब आप लोग हमारे साथ रहेंगे नसीर को यह बात थोड़ी बहुत नागवार गुजरती है और अजरा भी इस बात को पसंद नहीं करती लेकिन मजबूर होती है जमाल की बात मानने पर क्योंकि उसने वादा किया है जमाल से कि वो अपनी तमाम दर फैमिली मेम्बर्स को जोड़ कर रखेगी वहीं पर दूसरी तरफ आसमा जिसने नसीर को एक और मौका दिया है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में खुशियों को रंग दे सके नसीर जो के अपनी तमाम तर मोहब्बत और अब आसमा पर लुटाना चाहता है और तमाम तर खुशियां आसमा को देना चाहता है लेकर जाता है वो अपने साथ साथमा को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए अभी वो लोग वहाँ पर जाकर बैठते ही हैं कि अज़रा और फर्द की लड़ाई हो जाती है फ़र्त अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और अज़रा फर्द से कहती है दरवाजा खोलो नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा तुम आज मेरे हाथों से मार खा कर ही रहोगी असमा को फरत कर देती है फरद डर कहती है कि भाभी को पता नहीं क्या हो गया है मैं सच बात बताऊं तो ये अज़रा भाभी तो लोगों के बीच में रहने के काबिल ही नहीं है वहीं पर अजरा करती है असमा को कॉल और कहती है कि यह फर्द आज मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी मुझे इस फर्द पर इतना गुस्सा है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती के जमाल वहीं पर आ जाता है तो किस तरह से निभाएगी अज़रा जानने के लिए देखती रही बेबी बीबी बाजी